नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कमलनाथ जी को गिनती करते रहना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए। अभी तक 38 विधायक विभिन्न कारणों से बागी हो चुके हैं। पिछले महीने ही 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सलगनपुर मंदिर चोरी मामले में अपराधी गिरफ्तार हो गए और चोरी गया माल भी पूरा बरामद हो गया है। अखलाक के मामले में सभी मुखर थे, आफताब में चुप्पी क्यों? यह तुष्टिकरण का ज्वलंत प्रमाण है कि एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन किसी को भी पीड़ा नहीं है। राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शायद कमलनाथ नहीं चाहते कि राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश हो, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा एक्ट सहित विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। कोरोना के 3 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। वर्तमान में 27 एक्टिव केस प्रदेश में मौजूद हैं। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। अखलाक में बहुत सारी आए थे, आफ्ताब में क्यों आएंगे? एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए। न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, बाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टिकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी, 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के। किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, ना अवार्ड वापसी गेंग आई, न तुष्टिकरण वाला कोई इस बात पर बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफ्ताब की। एक भी दल नहीं। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। आज कोरोना के क्षेत्र में प्रसन्नता का विषय यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना का एक भी प्रकरण नहीं आया। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद कह लूं या वर्ष बाद कह लूं, ऐसा हुआ है कि 0 केस 24 घंटे में आए हैं। ठीक होकर 3 लोग अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। एक्टिव केस 27 बचे हैं। सैंपल पिछले 24 घंटे में 2922 लोगों का सैंपल लिया गया। संक्रमण दर आज 0 है। रिकवरी दर 98.7। पुलिस का कोई जवान संक्रमित नहीं। आज अनेक 0 हैं कोरोना के क्षेत्र। वैक्सीनेशन 905 लोगों को हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 13,35,39,054 लोगों को हुआ है। जी, उसमें पैसा एक्ट और इन सबको लेकर चर्चा हो रही है क्या, और प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बाकी के दल सिर्फ विधानसभा होने पर ही विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क वाली पार्टी है, जनता की सेवा वाली पार्टी है, नवाचार करती है। विधायकों से नीचे का फीडबैक लेकर के ऊपर और सरकार के द्वारा किए गए काम नीचे तक। ऐसा एक जो लागू किया गया है, यात्राएं जो निकलने वाली हैं, पार्टी के कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब कार्यक्रमों की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इन सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा होने वाली है। राहुल, सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, सीसीटीवी में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उन्होंने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से 1 बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए पूरे के पूरे। और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है।
कांग्रेस कल इंदौर में धमकी भरा लेटर मिला है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूज जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही है? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? ये भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। आपका मध्य प्रदेश में उसके कुछ विधायक जाएंगे, इसलिए सुबह होते ही इस समय पर रोज गिनती शुरू हो रही, नाकेबंदी चालू हो गई विधायकों की। कमलनाथ जी जल्दी बैठक भी करने वाले हैं। निश्चिंत रहे, कोई नहीं जाएगा, संभाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है। उनको जो अज्ञात आशंका है वो अभी तक जो विधायकों ने उनके साथ किया है इसके कारण से है, और उनके नेतृत्व पे उंगली उठती है। अभी 1 महीने पहले ही क्रॉस वोटिंग की है 17 विधायकों, अभी तक कुल इस तरह से विधायक 38 के लगभग बागी हो चुके हैं अलग अलग कारणों में। तो उनकी चिंता स्वाभाविक है, गिनती करते रहे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।